आइए बाहर नहीं आइए आप लोग आइए आइए सर आप बैठिए सर भैया आप इधर आइए आप इधर आइए आप लोग ऐसे बैठिए बहादुर बन जहाँ मैं रहता हूँ बसंते के पीछे वाला और ये वाला चक जो है ये चक इहलो रोग बोला मैं ये प्रस्ताव बीच का रास्ता निकालने का रखता हूँ कि इस वाले चक को चक गंभीर से शहादत के सम्मान में जिनका ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन बॉर्डर पर 1984 में हुआ प्रयागराज और उसके खास तौर से चक जीरो रोड मोहल्ले के इस वीर सपूत को भारत की सरकार ने हमारी सेना ने हमारे एनसीसी के लोगों ने अगर उनका स्मरण किया है और ये पुरस्कार आप लेकर आए हैं तो वह पूरे चक मोहल्ले जीरो रोड मोहल्ले के नागरिकों की तरफ से आप लोगों को सलाम करता हूँ सलूट करता हूँ और आपको जो है धन्यवाद देता हूँ। मैं केवल दो बात कहना चाहूँगा प्रदीप सिंह कुंडीर मेरा बाल सखा ये बात कम लोग जानते होंगे मोहल्ले के भी लोग और सेना के भी लोग और मेरे साथ की उम्र में छोटी ही है हमसे तो वो भी कम जानते होंगे लेकिन ये जानकारी रखें कि प्रदीप सिंह कुंडीर के पिता रतन सिंह कुंडीर जी जो है बड़े वकील अमृत महोत्सव के तहत धन्यवाद देश है कि अमर शहीद की शहादत शौर्य और पराक्रम को उनके क्षेत्र के युवाओं तक पहुंचाया जाए इसी कार्यक्रम के तहत अमर शहीद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कैमरा आ रहा पीछे कितना अच्छा पल है भैया थोड़ा जगह बना दीजिए महापौर के द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद उनको वीर सपूत इस धरती के लाल वीर सपूत स्वर्गीय दीप और इस समय सूबेदार इस समय कर्नल साहब एन सी सी कर्नल 17वीं बटालियन ये अमाला अर्पण कर रहे हैं वीर सपूत को उनके सलामी दे रहे हैं वीर सपूत को जय हिंद इसके बाद आर्मी कर माला अर्पण कर रहे हैं जय हिंद बढ़िया जो यहाँ के देख रही है वो कितनी अच्छी है जो जान दिया इंडिया जिसने जिसको सुरक्षा देने के लिए अपनी जान को गवाया कितना गर्वान्वित महसूस होना चाहिए आज इस देश के लोगों को मुझे वो भी पल याद है हमको क्या पता था कि वो
परिजनों के सम्मान पत्र दिया जा रहा है। केंद्र सरकार किस तरह की पहल क्या कर रही है? देखिए, जब से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तरह तरह के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे शहीद हैं, सभी को चिन्हित करके और सभी को ढूंढ ढूंढ कर उनका सम्मान किया जा रहा है। जो हमारे नहीं हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो हमारे शहीद के परिवार वाले हैं, उनको बुला बुला के सम्मानित किया जा रहा है कि आज उनकी वजह से हमारे राष्ट्र का सम्मान है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर सुरक्षा की भावना है कि उन्होंने अपनी शहादत करके तो हम लोगों को सुरक्षित बनाया है। तो बहुत ही गौरवान्वित पल है ये, जो हमारे लिए हमारे प्रयागराज में ये चक मोहल्ले में जो हुआ है और हम सब के याददाश्त में नहीं था, क्योंकि जब उनके साथ 1984 में हुआ तब हम सब की उम्र इतनी नहीं थी कि आज तक हम सब याद रखें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सेना के लोगों ने जिस तरह इसे याद करके इन्हें गौरवान्वित करने का, उन्हें पत्र देने का काम किया, तो आगे आने वाले जो हमारे भविष्य हैं उनकी याद में ये बना रहेगा और यही हमारे लिए आवश्यक है कि शहीदों की शहादत को हम याद रखें, बरकरार रखें और भविष्य तक ले जाने का काम करें। जी, बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, लास्ट में यही प्रस्ताव हुआ, जिस रोड पर उनका घर है उसी रोड का नाम प्रदीप पुंडीर, जो शहादत जिनकी हुई है उनके नाम से रखा जाए। तो ये हमारी एक हमें प्रस्ताव देने का काम किया है माननीय पार्षद जी ने और क्षेत्रीय लोगों ने, तो उस पर हम सब इसको आगे करने का सदन से काम करेंगे और कोशिश है कि सरकार का जो आदेश है कि जहां भी शहादत हुई है या शहीद लोग रहते हैं उनकी रोड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इस रोड को भी अलग से भव्यता दी जाए। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में भैया का शहादत हुई थी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था, हमको गर्व है, हमारे पास शब्द नहीं है सर बोलने के लिए। हमको अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है और जो उन्होंने ये योजना के तहत ढूंढ ढूंढ के सब शहीदों को पुनर्स्थान दिलाया है, उसके लिए हमको उनको नमन करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को सत सत नमन करते हैं। नमस्कार।